मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां, इस श्रृंखला में ये 41वां एपिसोड होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि ये उसी क्रम में मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन एक घटना जो मुझे प्रभु जी ने जो लिख के भेजा, जो मुझे याद आ रहा है, बहुत विचित्र है और सत्य है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं जैसा मैंने पहले एपिसोड में जिक्र किया कि मैं उनको लिखता रहता था, यानी वो 6-7 महीने कह लीजिए, और शुरुआत में 3-4 महीने तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं उनको ही लिखता रहता था। और वो इतना एक्साइटिंग टाइम था क्योंकि उसमें जो भाव थे बड़े मिले जुले थे। मतलब एक तो कि ईश्वर की कृपा हुई है, एक ईश्वरीय अदृश्य शक्ति जो है उसने कृपा की है, वो हमें सारे उत्तर दे रही है, ये और ये बड़ा अनबिलीवेबल है। तो उसमें कौतूहल भी था, उसमें हैरानी भी थी, उसमें एक खोज का वो था कि ढूंढें, उसकी तह तक जाएं कि मामला क्या है, ये कहां से कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा सब साथ साथ चल रहा था। और उनके साथ में एक सिलसिला वार्तालाप का लिख लिख के उनको भेजता रहता। तो मैंने, जब उन्होंने कहा कि तुम इतनी जिद मत किया करो, इतना विचलित मत हुआ करो, और मुझे इतना याद मत किया करो, ईश्वर को याद किया करो, तो मैंने कहा कि ये मेरी मजबूरी है। किसी के साथ भी अगर जीवन में ऐसा होगा तो उसकी ऐसी ही अवस्था होगी। अब हमने तो ऐसा इस जीवन में तो मतलब इतना कुछ तप अप तो नहीं किया था, ठीक है, लगे हुए थे, योजनाएं थी, वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, और जो भी ईश्वर ने करवाया वो किया। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने बैठ के बहुत तप किया, घोर तप किया, और अचानक जो है कृपा हो गई और संदेश आने शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं था। तो उसमें मैंने जब एक बार उनसे बहुत गिड़गिड़ा के मिमिया के उनसे प्रार्थना की, प्रभु जी से, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से, उनको लिखा कि ठीक है, अगर हमने इतना तप नहीं किया है तो, और फिर आपके दर्शन तो हो नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं जो पढ़ रहा था उसमें, जो मैं उनको लिखता रहा उसमें, तो ये भी लिखता रहा कि आप हमें अपना फोटो भेज दें, आपका चित्र हम देख लें, आप कहाँ रहते हैं, वो जगह कौन सी है, और हमको ये था कि ये कोई बुजुर्ग हैं और ये जब चले जाएंगे तो हम वहाँ जाके इनके बारे में चर्चा कर लेंगे लोगों से, कि उन्होंने हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा की। तो ये काफ़ी अपनी जो कोशिशें थी कि चित्र भेज दें, नंबर आपका क्या है, हम फोन कर लें, इस तरह की बातें मैं करता रहा। तो वो तो खैर उन्होंने मेरी तसल्ली करवा दी, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। तो ये जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि ठीक है, मैंने तप नहीं किया है, मैं तप करूंगा, जैसा आप मेरा मार्गदर्शन करें मैं वैसा करूंगा, लेकिन अगर मेरा मन करे, मैं बहुत विचलित रहता हूं, आपको सब दिखाई देता है और आप लिखते हैं मुझे, कितना विचलित मत हो, इतना भाव विवल मत हो, मुझे इतना याद मत कर, तो मैं क्या करूं, मेरी जो अवस्था है वो नीम पागल जैसी हो गई है, मुझे और कुछ सोचते नहीं आपके सिवा, तो मैं क्या करूं प्रभु जी। मतलब अगर मेरा मन इतना भाव विवल है और मैं इतना विचलित तो परेशान हूं, और मैं आपके दर्शन करने चाहता हूं, और दर्शन मैंने तप नहीं किया, तो फिर मतलब ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प मुझे बताएं, कृपा करें, दया करें, मेहर करें। ऐसे बड़ा लंबा तमाम मिनटें कुछ आमदन उनकी करता था। तो बड़ी उन्होंने कृपा करके, दया करके जो उत्तर दिया, तो उसमें मुझे कहा, ये बड़ा कमाल का उत्तर था उनका, कि जब तेरी ऐसी अवस्था हो तो मेरे दर्शन करना चाहता है, और दर्शन तो कर नहीं सकता है, तो 3 तरह के उन्होंने मुझे विकल्प दिए। एक विकल्प उन्होंने मुझे ये दिया कि तू रूपा के दर्शन कर लिया कर, रूपा को देख लिया कर, वो मेरे दर्शन होंगे।
जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है, उसने बड़ा तप किया हुआ है और इस जीवन में भी वो बहुत पवित्र आत्मा है, सात्विक आत्मा है, बहुत जप तप करती है। दूसरा, यदि ये तुझे ठीक न लगे तो आसपास कहीं भी किसी गुरुद्वारा साहिब में जाके गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर लिया कर, तो मेरे दर्शन होंगे। और तीसरा, अगर यह भी संभव ना हो तेरे लिए और तेरी ऐसी अवस्था हो, तो फिर बैठ के आंखें बंद करके एक ओंकार का जाप किया कर, सुमिरन किया कर, वो मेरे दर्शन होंगे। अब ये तीनों ही मेरे लिए, क्योंकि जहां तक रूपा की बात थी तो मैं उसको कई बार ऐसा हुआ कि मैं उसको ऐसे बैठ के देखने लग गया तो शी फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड कि वो मुझसे पूछने कि क्या प्रॉब्लम आपको, आर यू ऑल राइट, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने नहीं, मतलब मुझे प्रभु जी ने कहा था, तो मैं उसको अनुभव करने के चक्कर में था कि भाई आपको देख के कैसे उनके दर्शन हो सकते हैं। और अब मैं गुरु ग्रंथ साहब जहां भी जाता हूं गुरुद्वारे में, तो गुरु ग्रंथ साहब के तो दर्शन तो हरि के दर्शन है, अकाल पुरुष के दर्शन है, निरंकार के दर्शन है शब्द रूप में, लेकिन साथ में मुझे ये भी बोनस होता है, एडवांटेज होता है कि गुरु पिता ओंकारा जी महाराज के भी दर्शन साथ में हो जाएंगे। और फिर जो उन्होंने कहा कि एक ओंकार का बैठ के सुमरण करना, वो तो मैं आप लोगों सबसे शेयर कर ही चुका हूं। तो इस तरह से जैसा मैंने कहा कि उन्होंने आगे मुझे एक गाइडलाइन बताई, हमारा जो आश्रम है जहां हम रहते हैं और बॉम्बे में घर है, दफ्तर है, वहां मुझे क्या क्या करना है, एक लंबी लिस्ट भेजी मुझे, ये तेरे लिए कुछ कार्य हैं, इनको करना, तेरे लिए कुछ समथिंग निर्देश हैं, दिशा निर्देश ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है इस वक्त। तो उसमें एक एक चीज मुझे बताई, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि यहां दीमक बहुत ही, यहां इसमें नहर है तो सीलन रहती है, पानी का लेवल काफी ऊपर है, तो दीमक ने चौखट जो हमारे काफी खा लिए थे। तो मुझे लिखा कि जितने भी दरवाजों को कीड़ों ने खा लिया है उनको बदल। मैंने कहा सत्य वचन प्रभु जी, धन्यवाद। फिर इस घर में जो फर्श थे वो थोड़े उल्टे बने हुए थे, यानी उनका ढलान बाहर को नहीं था, अंदर को था, तो कहने लगे उनको ठीक करवा। एक हमने टेम्परेरी स्टूडियो बनाया था, उसी में हमने पूजा रूम बना लिया, प्रार्थना प्रेयर वगैरह रूम बना लिया, तो कहने लगे उसको साफ कर, उसमें जो तूने, हमने साउंड को कंट्रोल करने के लिए कि गूंजे नहीं, तो गद्दे उद्दे लगा के कुछ ऐसे पर्दे लगा के उसको कंट्रोल किया था। तो कहने लगे वो सारे वहां से गद्दे निकाल तुझे अपना कुछ रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो बनाना है तो उसको ढंग का बना, ऐसे गद्दे लटका ऐसे गद्दे लटका के नहीं। तो मैंने कहा धन्यवाद भाई, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि सफाई का ध्यान रखा कर, जितना साफ रखेगा उतना ही शुभ है। उनका कि ये जो कमरा है इसमें मंदिर तूने रखा हुआ छोटा सा, नहीं उसकी जगह बड़ा मंदिर रख, तूने दो मंदिर रखे हुए, हमारे दो रखे हुए थे, कि तूने दो मंदिर रखे हुए हैं उनको हटा के एक बड़ा रख। तो इस तरह से बॉम्बे में जो तेरा दफ्तर है उसमें कलर उतर गया था कई जगहों से, और काफी जो है पुराना सामान इलेक्ट्रॉनिक का पड़ा हुआ था, तो कहने लगे उसको निकाल, सफाई करा और रंग करा दोनों को, घर को भी और दफ्तर को भी, और जितना भी वहां रद्दी तूने कबाड़ भर रखा है, जो खराब मशीनें पड़ी सबको निकाल, यहां से भी, मतलब ये जो मुझे याद आई बातें मैंने आपको बताई, एक एक चीज, यहां तक कि अब उसका उनका लॉजिक रहा होगा कि एक शावर कर्टन होता है बाथरूम में, वो
मुझे कहने इसको उतार, मैंने उतार दिया। वो सारी चौखटें बदलवाई जितनी जो खराब थी, और मतलब जैसे जैसे उनके जो मैं कर सका। हाँ, जिस बेड पे मैं सोता था उसको, क्योंकि वो दीवार के साथ लगा हुआ था और हम कई बार बॉम्बे से चार चार छः छः महीने नहीं आते थे, यहाँ कम आते थे और वहीं बॉम्बे में रहते थे, तो कहने लगे वो उसका जो पीछे जो हेडरेस्ट के लिए होता है, बैकरेस्ट के लिए, उसको कीड़ों ने खा लिया है, दीमक ने खा लिया था, वो तेरे शुभ नहीं है, उसको बदलवा। तो एक बार मैंने जिक्र किया था कि जो फ्रिज था वो हमारा जिस जगह रखा हुआ था तो उसमें कई बार करंट आता था। डॉक्टर जी ने मुझे कई बार कहा कि इसमें करंट आता है, तो मैंने सोचा मैं मिस्त्री को बुलाता हूँ, तो कहने लगे उसको उसकी जगह बदलो, जगह बताई कि फला जगह रख, जहाँ वस्त्र धोने की, उनकी अपनी भाषा थी, वस्त्र धोने की मशीन रखी है उसके पास रख। तो जब से उठा के हमने उसको वहां रख दिया तो उसने कभी शॉक नहीं लगा, करंट नहीं आया। हाँ, उसका कुछ समथिंग वो अपनी भाषा में लिखते थे, विद्युत प्रणाली में गड़बड़ है या कुछ ऐसा लिखते थे, तो अवरोधित है या ऐसा कुछ, पता नहीं उन्होंने कुछ लिखा था। तो वो मतलब जो जो उन्होंने कहा, यहाँ हमने कुछ स्थान बनाए हुए थे, हमारे पंडित जी आके बनवा गए कि नॉर्थ ईस्ट जो है, ईशान कोण जो होता है ये बड़ा पवित्र होता है, तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ होना चाहिए और ये लगा लो और वो लगा लो और कुछ एक मंदिर आपको बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, पवित्र जगह है तो वहाँ बना देते हैं। तो वो बना दिया, तो कहने लगे उसको साफ रख। अच्छा, वहाँ पत्ते उत्ते बहुत गिरते हैं पेड़ों के, ये जो आम का पेड़ लगा हुआ उसके पत्ते गिर जाते हैं, और एक जगह इकलिप्टिस सफेदे के बहुत पेड़ लगे हुए हैं, साथ में जंगल का एक स्ट्रिप जाता है, तो कहने उसको साफ रख। मतलब एक एक चीज, और जब मैंने वो किया तो संदेश आया, मैं प्रसन्न हूं, तो मेरा कहना मान के वो सारे कार्य कर रहा है, निकाल सब ये कबाड़ यहां से। तो यहां तक कि जो धोने वाले कपड़े होते थे, आमतौर पे हम लोग एक बास्केट वगैरह वहां रख लेते हैं बाथरूम में ही, कि जो धोने वाले कपड़े हैं वो हम उसमें डाल देते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और बाद में फिर वीक में एक बार आप कपड़े धोते हैं, नॉर्मली होता है। तो उसका उन्होंने अपनी भाषा में कुछ मुझे बताया, शुरू में तो मैं समझ, ये डॉक्टर रजनी समझ लेती थी कि ये कह रहे हैं कि तेरे स्नान घर में जो वो रखा हुआ है। अभी मैं उस क्रम में नहीं बता पा रहा हूँ आपको, ये जो मुझे ऐसे याद आ गया इससे आगे कि इस तरह से कुछ था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने उसको निकाल, तो हमने उसको निकाल के बाहर रख दिया। वट एवर ही सेड, क्योंकि मुझे तो ये था कि ये ईश्वर के दरबार से मुझे निर्देश आ रहे हैं। अब उसका लॉजिकल रीजन क्या था, जैसे कुछ चीजों के बारे में उन्होंने मुझसे कहा, मेरे एक मित्र हैं, उनको मेरा ख्याल में 25-30 साल के बाद में हमारा संपर्क हुआ। यूनिवर्सिटी में जब मैं डमा डिपार्टमेंट में था, यहां मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा कुछ देर के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी में PhD करते थे, कुछ डाउन वाटर के ऊपर PhD कर रहे थे। तो वेरी नाइस गाय। अब देखिए, उनका नाम लिख के मुझे संदेश दिया कि वो वो जो तेरा मित्र है परम ज्योति अरोड़ा, जो पठानकोट में रहता है, उसके पास ज्ञान है, उससे पूछ, और उसकी राय से यहां कुछ तब्दीलियां कर, जो हम वास्तु की बात करते हैं। मैंने उससे संपर्क किया और उसने कुछ चीजें मुझे बताई। अब क्योंकि मुझे वहां से निर्देश था, तो निश्चित रूप से जो उसने कहा मैंने उसको फॉलो किया। ये जो दफ्तर है, किसके बारे में भी उन्होंने, यहां तक के शायद मैंने इसका जिक्र किया है कि इसके जो कर्टन्स थे उनको वो अपनी भाषा में, मतलब मैरून कलर के कर्टन्स लगे हुए थे पहले, तो मुझे कहने कि इसके जो मतलब कर्टन, तो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किए इसके लिए, तो कहने कि इनको बदल। और मैं मेरी समझ में नहीं आया कि बदलूं, तो ठीक है बदल देता हूं, लेकिन मतलब मैं कौन से लगाऊं, हो सकता है वो भी वो कहें इसको बदल, तो फिर मैं कौन से लगाऊंगा। तो मैं पूछने लग गया उनसे
पूर्ण ने मुझे कोई उदाहरण दी रंग के बारे में कि ऐसा रंग उसका होना चाहिए तो तेरे लिए ठीक रहेगा। और बाद में जब मैंने वो कर्टन लगाए जो मेरे ऑफिस में बेज कलर है, कैमल कलर में ढूंढ रहा था तो उससे थोड़ा सा डार्क कलर एक मिला, तो जब वो लगा दिए तो मेरे मन में ये चलता रहता था कि पता नहीं प्रभु जी को पसंद आए कि नहीं, मतलब उनके हिसाब से ये सही है ये नहीं है। तो फिर उत्तर आया मुझे लिख के कि हाँ तूने जो कर्टन्स, फिर मैं कह रहा हूँ कर्टन्स मेरे शब्द हैं उनका नहीं है, जो तूने लगाए हैं ये अच्छे हैं अब सही है। तो एक एक चीज के बारे में, या जैसे हम लोग अटैच बाथरूम बनाते हैं बेडरूम के साथ में, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि भाई तुम कलयुग की जीव कैसे हो, जो स्नान घर और उसका कुछ अपना था जो हम टॉयलेट हम बोलते हैं, उन्होंने कुछ अपना शब्दावली इस्तेमाल की उसके लिए कि वो सब आप लोग एक ही साथ बना लेते हो जो कि आप लोग वो तो अलग होना चाहिए। तो मैंने कहा प्रभु जी अब हम लोगों को मालूम नहीं था, ये कृपा आपकी पहले हो गई होती तो हम अलग बना लेते। और अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, या जहां हमारा पूजा रूम है उसके साथ में ही उनका डॉक्टर रजनी का कमरा है और उसके साथ में एक अटैच बाथरूम है, तो कहने लगे इसको जैसे डॉक्टर रूपा आपसे कह रही है, उसको रूपा ही कहते थे, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर रूपा, तो जैसे रूपा कह रही है वैसे करो। तो रूपा की अपनी कोई रिक्वायरमेंट थी और उसको ये भी दिक्कत थी कि मैं इसमें जो सीट है इधर लगी हुई है तो उधर पूजा रूम सामने ही पास में ही है तो उसको बदलो उस तरफ करो, तो कहने जैसे ये कहती है वैसे करो उसको, वो ठीक कह रही है। एक एक चीज उन्होंने मुझसे करवाई और मतलब वो इतना दिलचस्प इतना अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे जीवन का, मतलब मेरा एक ट्रेजर है, एक खजाना है मेरे पास और मैं उसको अभी कभी पढ़ने बैठ जाता हूं तो खो जाता हूं, हंसने लगता हूं, इमोशनल हो जाता हूं कि कौन करता है किसी के लिए। मैंने तो अपना इतना जीवन गुजारा, मेरे साथ तो किसी ने नहीं किया, मेरे साथ अगर आप देखें तो धोखे ही हुए, मेरे साथ तो ज्यादातर लोगों ने बुरा ही किया। अब ये मेरे भाग्य का हिस्सा था, मैं अलग से एक एपिसोड बनाना चाहता है इस पर, लेकिन इसी में जिक्र कर देता हूं उसका कि जो आपके कुकर्म हैं और सत्कर्म हैं वो एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो प्रभु जी ने मुझसे कहा था कि तुझे हर बार जब भी तूने अतिरिक्त कुकर्मों की वजह से कोई ना कोई भयानक बीमारी हुई है, जैसे जब तू महाराजा तब हुई थी, ऐसे ही हर जन्म में होती है, इस जन्म में भी तुझे हुई, तो उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन जब मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इचिंग का और ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो बहुत और भयानक प्रॉब्लम्स हुई हैं बचपन में, जब मैं तीसरी या चौथी कक्षा में था तो मेरे सारे शरीर के ऊपर फोड़े निकल आए थे, मवाद पड़ गया उनमें, मेरा इतना बुरा हाल था कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई देसी दवाई, कोई पत्ते या कुछ ऐसा किसी देसी वैद्य ने बताया, मैं अपनी ननिहाल में रहता था पंजग्राही कला में, कोटकपुरा के पास डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में पंजाब में है ये, तो वो दवाई मेरे पूरे शरीर पे लगा देते थे हरे रंग की, मुझे अब तक याद है गाढ़ा हरा रंग होता था उसका, पूरे शरीर पे लगा देते थे, मक्खियां भिनभिनाती थी और कपड़े में पहन नहीं सकता था, ये महीनों सिलसिला चला, मैं नंगा घूमता था। तो ये एक भयानक बीमारी आई, अब इसके लिए जिम्मेदार क्या था, मेरे कर्म मेरे कुकर्म जो मैंने किए थे, ये गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने कंफर्म किया। तो आप पीछे घूम के देखते हैं ये तो बात सही है। मैं चंडीगढ़ में था, उससे पहले जो मुझे हुआ मैंने इसका जिक्र किया है कि मुझे हर चीज आधी दिखाई देने लगती थी, ये काफी देर ये प्रॉब्लम, ये मैंने एपिसोड अलग से एक डाला हुआ है इसके बारे में, ये भी बड़ी भयानक बीमारी थी, डॉक्टर की समझ में नहीं आती थी, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया मैं, उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या है, अचानक वो मुझे होगा और आधी चीजें दिखाई देंगी, बाद मेरी आंखें सर दर्द करता रहेगा। खैर उसमें भी ईश्वर से मैंने प्रार्थना की, कैसे रोया मैं बिलखा और उसने मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। तो सदकर्म के सदकर्म भी साथ में चल रहे थे, बचाया भी, लेकिन कुकर्म भी साथ में चल रहे थे, उसकी सजा भी साथ में चल रही, दोनों पैरेलल चलते हैं। फिर जब मैं चंडीगढ़ में गया तो चंडीगढ़ में
मुझे सनस्ट्रोक हुआ, मरते मरते बचा, 104 पता नहीं 105 ऐसे कुछ टेम्परेचर हो गया था। और मैंने इसका भी जिक्र किया हुआ है कि वो डॉक्टर प्रे करते हुए देखी मैंने, डॉक्टर प्रज्ञा कुमार उनका नाम था, यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हेल्थ सेंटर में, और मुझे लगा तो मौत आ गई है, और कहती इसको PGI में ले जाओ इमरजेंसी। मैंने कहा नहीं, अभी ये कर सकते तो कुछ करो, मैं रस्ते में मर ना जाऊं। ईश्वर ने कृपा की और सद्कर्म ने मुझे बचाया, लेकिन ये कष्ट दिए क्योंकि वो कुकर्म किए हुए थे मैंने। इसीलिए कहता हूं बचना, मैं अपनी एग्जाम्पल्स दे दे के आपसे, और जो ईश्वर के दरबार से मुझे निर्देश आए, लिखित रूप में आए, ईश्वर के हुक्म से आए, उनकी आज्ञा से आए, उनकी आज्ञा से शेयर कर रहा हूं मैं कि आप ही बचना। वहां से बचा, दूसरे दिन जाके मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे गोल्ड मेडल लेना था, योगा का प्रैक्टिकल किया मैंने जाके। मुझे रोक रहे थे कि भाई तुम तो स्टूडेंट होते हो, भी क्लास लेते रहो, कई बार जब टीचर एबसेंट होता था योगा की। उसके बाद में 82 में कोई कहता था इसको TB हो गई, कोई कहता था इसको अस्थमा हो गया, तो इतना खांसता था मैं, खांसते खांसते मैं निढाल हो जाता था। फिर परमात्मा ने मेरी मदद की, मृत संजीवन सुरा एक कोई मुझे किसी ने बताया, आयुर्वेदिक आदमी मिलती होगी, उसको पी पी के मैं अपने उसको कंट्रोल, बाद में मिला उसमें मदरा थी, उसमें अल्कोहल होता है, कंटेंट होता है, तो उसको पी पी के, उसमें और भी दवाइयां बहुत सारी होंगी, तो उसको पी पी के किस तरह से मैंने रिहर्सल्स की, मुझे निकालने लगे थे तो मैं वो पूरी शीशी पी गया, और उसके बाद मैंने रिहर्सल की जो रन थ्रो कर रहे थे वो, उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना था, अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह हमारे शोज थे, और 82 में मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, मेरा पहला ब्रेक थ्रो था। तो एक तरफ सदकर्म मेरी मदद कर रहे थे और एक तरफ कुकर्म मुझे सजा दिला रहे थे। मुझे घर में जायदाद होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी दरबदर किया, मुझे धोखे मिले, चाहे पहली जगह में प्रेम विवाह करना चाहता था, दूसरी जगह करना चाहता था, तीसरी जगह करना चाहता था, लेकिन धोखे मिले, और मैं बयान नहीं करता हूं, किडनी स्टोन हो गया, इतना दर्द, इतना भयानक दर्द कि लगता था मौत हो जाएगी, तड़पता था मैं। फिर लोगों के दर बदर घूमता रहा, मैंने ये जिक्र किया, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा, चने चबा के गुजारा करना पड़ा, बिना टिकट ट्रेवल करना पड़ा, लोगों से 50-50 रुपए मांगने पड़े, किसको, वो जो एक महाराजा होता था, चक्रवर्ती सम्राट था, क्यों, अपने बुरे कर्मों की वजह से अपने दुष्कर्मों की वजह से, अपनी डिमोशन कराते कराते नीचे आते 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 ये दिन भी भाग्य ने, कर्मों ने दिखाए, लेकिन सदकर्म साथ में पकड़े हुए थे, बचाए हुए थे, मिल गए 50 रुपए, मिल गए 20 रुपए, चल गया काम, किसी के बरामदे में रहने को जगह मिल गई, 6 महीने काट लिए वहां, तो ये सब करवाया, सजा दी, दिल तोड़ा, धराशायी कर दिया, और ये करते करते धीरे 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 मरने भी नहीं दिया, वो सदकर्म थे साथ में, वो बचाते रहे, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि ईश्वर तो तटस्थ है, वो इन्वॉल्व नहीं है, तटस्थ है, वो तटस्थ भाव से ये पूरी गेम, पूरे खेले को देखते हैं, निहारते हैं, सिस्टम एक बना दिया, हुक्म उनका चलता है, विधान उनका चलता है, आपे बीज आपे ही खाओ, जो तू कर रहा तुझे भोगना पड़ेगा। तो जो पड़ गया इस कुचक्र में, दुष्कर्मों के कुचक्र में, वो तो कभी कितने जन्मों के बाद, जैसे मेरे जीवन में वो कुछ कहीं बोया हुआ, कुछ सत्कर्म अंकुरित हुआ, जागा तो बच गए, मार्गदर्शन मिल गया, वरना तो पता नहीं मैं कहां जाता, मालूम ही नहीं है। जैसे हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम सबको लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सब कमाल कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। ये तो बाद में आपको पता लगे, कह रहे हो तो मैं बेवकूफियां कर रहा था, जैसे मुझे, मैंने अपने जीवन में जब झांका पीछे देखा तो मैंने, अरे मैं इतना बड़ा बेवकूफ था, यानी जिन्होंने मुझे धोखा दिया मैं उनके लिए मरने को तैयार था, मैं उनके लिए रोता फिरता था जो इसके काबिल नहीं थी। और उस वक्त आपको लगता है कि इनके बिना तो जिंदगी समाप्त है, वही आपको लक्ष्य लगती है,
ध्येय लगती हैं और खास करके जो पहली इन्वॉल्वमेंट हो आपकी। तो ऐसे ही हमको जीवन में जब आगे निकल जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, एहसास होगा, ग्रोथ होगी आपकी, तो आपको लगा अरे मैं कैसा बेवकूफ आदमी था, ये मैं क्या करता रहा। मुझे ऐसा लगा बार बार कि अपने जीवन में मैं क्या क्या करता रहा। उनके बहकावे में आकर हमने क्या क्या कर लिया, उनकी हां पर जी लिया और उनकी ना पर मर लिया। ये ऐसी स्थिति शायर बन गए। कभी मैं अपनी शेर व शायरी भी आप लोगों से शेयर करूंगा और वो हर शेर किसी जगह से मेरे जीवन में घटी हुई घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठे कलम लिया और शेर कह दिया, नहीं, कोई घटना घटती थी, मन टूटता था, दिल टूटता था, तो उसको कागज पर उतार लेता था, हल्का हो जाता था, बच जाता था। वरना तो जो घुटन है अंदर, वो जो कष्ट है, वो जो दुख है, वो रोग बन जाता, बीमारी बन जाता। सो उन्होंने एक एक चीज मुझे बताई, मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे नहीं लगता आमतौर पर भी जीवन में अगर आप देखें तो कोई इतना टाइम देगा, इतने प्यार से, इतने मतलब कंसर्न से, केयर से आपको एक चीज बताएगा। हम तो मूर्ख लोग हैं। तो वो जो सदकर्म था, इतने जन्मों के बाद उसने मुझे डूबते हुए को, जो गर्क हो रहा था, बचा लिया। इसलिए सदकर्म करना, जैसे मैंने पहले, जैसे पहले वाला एपिसोड उसमें कहा है कि प्रेम भी है दया करना। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, 68 तीर सगलपन पुन जीव दया परवान, मिठत निवी नानका गुण चिंगियाईया तत। बस ये पकड़ लो, नफरत से बचो, बैर विरोध से बचो। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारा हिसाब किताब है, सीधे होके उसको निपटाओ, चुकता करो। और जितना समय तुम्हें मिला है ईश्वर के नाम में लगाओ, भक्ति में लगाओ। भक्ति की पराकाष्ठा, उसकी रजा में राजी रहना है। बस माफिया मांगते रहो, धन्यवाद करते रहो, कीर्तन सुनते रहो, मुंह से जपते रहो, चलते फिरते, आते जाते, काम करते हुए, हाथ से काम करना, मुंह से जपते रहो, मन में जपते रहना है। उसकी याद में रहते हर वक्त रहो, उसकी याद में रहते हुए जीवन यापन करो, गुजारो। बस ऐसे ही, जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूं, नानक सतगुरु पेटिए पूरी होवे जुगत, हसन दया खेलन दया पहनन दया खावन दया विचे हुए मुकत। ये गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, हंसते खेलते पहनते, उसी के अंदर ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो सतगुरु नानक सतगुरु पेटिए पूरी हुए, वो जो पूरी जुगत, असली जुगत जो है, अगर जुगत पूरी आपकी पकड़ में आ गई और आप लग गए, ये उसका प्रोसेस है। क्योंकि रंग लागत 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 है। हम लोग तो इंपेशेंट लोग हैं, हमको तो जल्दबाजी रहती है, मन में दिमाग में विचारों का शोर है, योजनाएं हैं। तो अगर बैठ भी गए चुप करके तो अंदर तो शोर चल रहा है, उसको कैसे शांत करेंगे। तो उसके लिए यही जो बार बार मैं प्रार्थनाएं करता रहता हूं, विनते करता रहता हूं, खुशामद करता रहता हूं, रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि रात को रिपीट पे लगा के सो। मैं अक्सर देखता हूं ज्यादातर लोग नहीं रिपीट पे लगा के सोते हैं, ये उन्हें मालूम नहीं है, ये उन्होंने छोड़ ही दिया। अब कौन इसको, एक बार यूट्यूब पे लगा लिया, फिर जब सो गए तो बंदी हो गया डेढ़ घंटे के बाद में। मैंने वो डाल भी दिया वीडियो कि आप ऐसे करके उसको रिपीट पे लगाना है, ऐसे आपने डाउनलोड करना है sikhfilm.com पे जाके, तो रात को रिपीट पे लगा, उसका बहुत लाभ है। अचेतन सुनता, उसी को तो सुनाना है। ये मैं कई बार कह चुका हूं, ये मुझे वहीं से आया, इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं और इसके प्रमाण मिले मुझे। लोगों का जीवन बदला है, लाइलाज बीमारियां खत्म हुई हैं। रात को रिपीट पे लगा के सोए, दिन में काम में लगा के आंखें बंद करके सुने, उसका धन्यवाद करें, माफी मांगे, गुरुद्वारा साहब जाए, मंदिर मस्जिद जाए, नाक रड़ के माफी मांगे। वैसे तो हर जगह विराजमान है, कहीं भी आप नाक रड़ के माफी मांग सकते हैं उससे, और उसका धन्यवाद करें, उसका भी मैंने बताया हुआ है। तो
ये जो एग्जाम्पल मैंने बताई कि उन्होंने मुझे कैसे प्रभु जी ने बड़ा अद्भुत, और वो सारा मैंने ऑफिस भी साफ किया जितना मैं कर सकता था किया, जो कबाड़ था सब निकाला, मशीनें वशीनें सब निकाली, हालांकि बहुत महंगी थी अब निकालनी पड़ी। तो कहने लगे शाबाश बेटा तू प्रयास कर रहा है, और जितना मैं रंग वंग करवा सकता था सब करवाया। तो खुश होते थे सुबह उठ के, अगर मैं सुमरण करता हूँ डॉक्टर रजनी को का उठा देना, वो भी सुमरण करने लग गई, मैं भी सुमरण करने लग गया, तो खुश होते थे। अब देखिए सुमरण हम कर रहे हैं, खुश वो हो रहे हैं, तो इसलिए रिंकू भाई साहब हैं वो भी इसी पे बहुत जोर देते हैं, उन पे बहुत कृपा है ईश्वर की, वो कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा उनका मोटिवेट करने का तरीका है। तो बेसिकली अमृत वेला सभी धर्मों में और खास करके सिखिज्म में और गुरु नानक देव जी महाराज ने तो इसी पे जोर दिया है। तो प्रभु जी ने भी यही कहा, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने वहां उस हरे के अल्लाह के उस वाहिगुरु के दरबार से आके मुझे समझाया उन्होंने कि सवेरे उठ के कर, उसका बहुत ज्यादा लाभ है। तो कैसे भी अपना टाइम मैनेज करें, कुछ लोग कहते हैं अगर वो पाठ करते हैं या सवेरे उठ के करते हैं उनको तकलीफ होती है, परेशानी बढ़ जाती है, निश्चित रूप से वहां कोई दुरात्मा है या कोई किसी ने कुछ क्रिया कर रखी है आपके ऊपर, वो आपको जपने नहीं देंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो मैंने कहा हुआ आप लोगों को, जो एक ग्रुप है उसका नंबर दिया, मेरे घर 490 एपिसोड है उसमें उनका नंबर दिया हुआ है HDR ग्रुप का, तो HRD ग्रुप है, तो उसमें आप उन लोगों से संपर्क करें, उनको मैसेज करें, क्योंकि विदेश में रहते हैं उनके टाइम का फर्क है तो उनको करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से आपको सवेरे उठने में ना तो तकलीफ होगी, और जब आप सुमरण करेंगे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आनंद आएगा। तो इसका मतलब कोई चीज है जो खुद डिस्टर्ब होती है आपके जपने से, तो वो आपको डिस्टर्ब करती है, आपको परेशान करती ताकि आप बंद कर दें। तो ऐसा उन लोगों से आप एक गाइडेंस ले लें, चेक करा लें क्या समस्या है, और अगर कोई ऐसी समस्या नहीं है तो फिर बताइए, आप लिखें तो उसका कोई और विकल्प ढूंढेंगे, कोई तरीका ढूंढेंगे। लेकिन समाधान हर समस्या का होता है, जब कोई समस्या पैदा होती है तो समाधान उसके साथ में पैदा होता है, वो हमें जल्दी मिल जाए या देर से मिले ये निर्भर करता है हमारे भाग्य पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात पकड़ में आई, कि ये जो सत्कर्म है और जो दुष्कर्म है कुकर्म है वो साथ में ही चलते हैं, और ये जो हमारा भाग्य है और जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारी कुंडली है, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। अब किस तरह के ग्रह बैठ गए, किसकी दृष्टि किस पे पड़ गई, तो एक तो परमानेंट मामला हो गया कि ये आदमी बेईमानी तो करेगा ही, ये आदमी सत्कर्म तो करेगा ही, ये आदमी गलत गंदी जुबान तो इस्तेमाल करेगा ही, ये आदमी व्यभिचार तो करेगा ही। मतलब एक तो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है पीछे वाले हिसाब से, कम करेगा ज्यादा करेगा इतनी देर तक करेगा फिर यहां छोड़ देगा, क्योंकि दूसरा ये आ जाएगा। तो मतलब कहने का मुझे, मैं कई बार सोचता रहता हूं कि ईश्वर के यहां इतना बड़ा ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वहां कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली जितने सदकर्म और कुकर्म हमने किए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन होके चार्ट बन गया आपका, आपका पूरा ट्रैक बन गया लाइफ का, और उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। और फिर उसमें प्रारब्ध ने आपको कैसे कंट्रोल किया, आपको गाइड किया अच्छे और बुरे के लिए उसी कर्मों के हिसाब से, और उसी के हिसाब से आप अच्छे या बुरे कर्म कर पाते हैं। कुछ लोग बिरले होते हैं जिनको ईश्वर चुनता है, ऐसा प्रभु जी ने मुझे बताया गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, कि वो मेरे साथ एक घटना घटी जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं उनसे होता ना, मैं अपने जैसे मैंने कहा मैं ज्ञान बघा रहा था अपना, जैसे यहां भी बहुत सारे मित्र लगे रहते हैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनके पास, तो फिर सवाल उठने स्वाभाविक हैं, तो वो भी पूछते रहते हैं, तो मैं भी खूब मैंने पूछे, तो मैंने ऐसे ज्ञान बघा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, देखिए उसको मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, अभी भी गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ईश्वर सुन रहे हैं, मैं उनसे माफी मांग के कहता हूँ, कान पकड़ता हूँ, अब ये मेरी दुर्बुद्धि होगी या जो भी होगा, अड़ियल एटीट्यूड होगा जो भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉजिक है। उन्होंने कहा कि वो जो घटा वो तेरे भाग्य में नहीं था, तेरे भाग्य से बाहर था,
अब मेरे लिए मतलब मानना बहुत ही मुश्किल था कि ऐसा भी होता है कुछ भाग्य से बाहर हो। तब उन्होंने कहा कि बहुत बिरले ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें ईश्वर चुनता है, तुझे चुना था। लेकिन तेरे भाग्य में नहीं था, तुझे चुना गया था। और मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं इस लायक हो गया हूं, कि मेरी परीक्षा हो सकती है। मुझे नहीं मालूम था। मैं तो अपने आप को अभी भी मैं ऐसे ही समझता हूं कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूं, मुझे ईश्वर ने कृपा की और ये इस रास्ते पर लगा दिया, मैं प्रचार करने लग गया। लेकिन इसमें कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप प्रचार करने लग गए हो या आप सेवा करने लग गए हो या आप पे कृपा हो गई है, जैसे भी सेवा करते हो फिल्में बना के, लेकिन कर तो आप मानवता का भला ही रहे हो ना, सिख धर्म पे बात कर रहे हो, उस ईश्वर के बारे में बात कर रहे हो, तो यू आर द चूजन वन और आपकी परीक्षा हो सकती है। तो बी केयरफुल, उससे प्रार्थना ही करते हैं। मैंने तो बहुत बार की थी कि प्रभु हमारा इम्तिहान उतार मत लीजिएगा, हम बहुत नालायक बच्चे हैं, हम तो निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। लेकिन वहां तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, कोई संकेत भी नहीं था, कोई इंडिकेशन भी नहीं था कि मेरा भी इम्तिहान हो सकता है। अब ये उस क्रम में नहीं बता रहा हूं, ये कहीं से आ गया तो मैंने अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मैं उस क्रम के चक्कर में बहुत उलझ गया, वो मेरे पन्ने भी आगे पीछे हैं सब। तो मैं सोचता हूँ अरे ये तो वहां तक पूछा मैंने, ये यहाँ क्या जवाब, ये बीच में क्या लगा हुआ है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं है, तो कहीं और पूछा होता है। तो इसलिए ऐसे ही चलेगा। तो ये निचोड़ इस पूरे एपिसोड का यही है कि सत्कर्म और दुष्कर्म जो कर्म है वो एक साथ चलते हैं, उनकी जो हमारा बचाव करते हैं सत्कर्म, जो रिलीफ हमको मिलता रहता है, जो सुविधा हमको मिलती रहती है, वो सत्कर्मों की वजह से है। और जो असुविधा, जो आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, क्लेश है, जो भी जिस भी तरह के चिंताएं हैं, उलझने हैं, वो किसी भी कारण से हों, या बीमारियां हैं जिस भी तरह की हैं, उसके लिए हमारे अपने ही कुकर्म जिम्मेदार हैं। तो उनको स्वीकार कर लेने में ही भला है। इसके एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूं, जिसको सजा होती है जेल में जाते हैं, अगर वो चीखे चिल्लाए शिकायतें करे तो उसको काल कोठरी में, उनका कुछ अपना सिस्टम होता है, वो लगा देते, पता नहीं चप्पू लगाते क्या करते, उसको छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। और अगर वो स्वीकार कर ले कि मुझसे गलती तो हुई है, मैं मानता हूं, तो उसको लिहाज किया जाता है कि इसको बड़ा प्राश्चित है भाई, कभी माफी मिल जाती है, उससे हल्का काम लिया था, किचन में लगा दो, लिखा पढ़ी वाले काम में लगा दो, मुश्किल काम मत लो। तो हमारी करप्ट जेलों में ऐसा होता है, तो यहां तो मालिक तो परम दयालु हैं, दया का सागर हैं। तो यहां भी जब हम शिकायतें करने की बजाय, छटपटाने की बजाय, कुल बुलाने की बजाय, मतलब विचलित होने की बजाय, हर वक्त शिकायतें करने की बजाय स्वीकार करेंगे, कबूल करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद वाला एपिसोड में डाल चुका हूं, 7 सालों वाला जो 7 दिनों में निपट गया था वो डाल चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। तो यही करते कराते रास्ता मिल जाएगा, उस मालिक का दामन मिल जाएगा, उसका पल्ला मिल जाएगा, फिर तो क्या कहना है। तो ये हमारे जो दुष्कर्म, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं हमारे दुष्कर्मों की वजह से, वो तो हमको गुमराह करेंगी, हमको भटकाएंगी, तरह तरह के उल्टे सीधे विचार देंगे, अरे छोड़ना कुछ हुआ नहीं, ये है वो है, और कुछ ऐसे लोग मिलवा देंगी, वो भी कहेंगे देखना मैं मौज करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, कौन सा भगवान यार, कौन सा मंदिर, कौन सा गुरुद्वारा, कहीं जाते ही नहीं हूं। अरे भैया खाओ पियो, दारू लगाओ, 3-4 पैक लगाता हूं शाम को, साथ में चिकन तगड़ी कबाब खाता हूं, बड़ी मौज है, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। ये वो नकारात्मक फोर्सेस, वो ताकतें आपको भटकाने के लिए आई हैं, बचिएगा। इसीलिए कहते हैं बुरी संगत से बचना, तो वहां अलर्ट हो जाना, सतर्क हो जाना, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना कि बापू आप ही मुझे बचाना, मैं तो इस भवसागर में, इस माया के थपेड़े हैं, चारों तरफ अंधकार है, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार, हे प्रभु पार उतारो, डूब जाएंगे हम, तो मूर्ख लोग हैं, गुमे हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, गुमराह है, हमारी माँ पकड़ लो बापू। ये प्रार्थना करते हुए, माफिया मांगते हुए, धन्यवाद करते हुए, सुमरण करते हुए, जपते हुए, रात को सुनते हुए, ऐसे करते कराते आपका टाइम निकल जाएगा, वो बाँ पकड़ लेगा, सहारा दे देगा। दुख अगर आएंगे और हरि नाम से आप जुड़ गए हो, जपते हो और सरेंडर कर चुके हो, तो आपको दुख दुख लगना बंद हो जाएगा।
होता रहे दुख, मैंने इसका जिक्र किया हुआ पहले, रहे कैंसर, ब्लड कैंसर है लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगी ना पाई। तो जब वो प्रॉब्लम तो है कुकर्म की वजह से जो पाप किए हमने, लेकिन फिर छतरी मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई, चौगिर्द हमारे राम कार मिल गई, लेकिन है ये सब भाग्य का हिस्सा। तो हतोत्साहित नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। निश्चित रूप से प्राप्ति तो हो रही है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, होने लग जाएगी धीरे धीरे, धीरे या धीरे सब कुछ होए। माली सींचे मेवड़ा ऋतु आए फल होए। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपकी पकड़ में आई, आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।